Hey, what's up, video watchers? तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टैलेंटेड स्ट्रगलर्स के बारे में जिनका आईक्यू नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा है। तो आज हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक नेपोटिज्म के बारे में। तो चलिए, इतनी गर्मी हुडी क्यों पहन के घूम रहा है? तू भी तो बंदर जैसा लग रहा है जैकेट पहन के, तूने क्यों पहन रखा है? अरे बर्तन क्यों थे रात में? चल चल अपना काम कर। तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये बंदर जैसी शक्ल वाला आदमी द लेजेंड करण जौहर। मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका। मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरे चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, आई कैन डू व्हाट आई वांट। ये वही है, जब भी किसी स्टार के घर में बच्चा पैदा होता है उसकी पहली गिलकार सुन के ये उसके घर जाता है बख्शीश मांगने, और बख्शीश के रूप में ये उनके बेजुबान बच्चों का फ्यूचर मांगता है, और अगर बख्शीश ना मिले तो ये कितना भी नीचे गिर सकता है। जी मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हो। जी मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हो। इट्स माय टैलेंट। इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। ओह नो, ये है एक ऐसे स्ट्रगलर जिसने अपने स्ट्रगल को ही टैलेंट बना लिया। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं, इसने इसकी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। ये है आम जिंदगी। पहले इसे अपनी उंगली नाक से मुंह तक पहुंचाने में स्ट्रगल करना पड़ता था। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। अब ये स्ट्रगल करे बिना जीभ से नाक के गूंगे निकाल लिया करती है। गूंगे रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। ये है द लेजेंड स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, वन एंड ओनली सोनाक्षी सिन्हा उर्फ असली सोना उर्फ बाप का नाम हटा दो तो कोई कुत्ता ना पहचाने। मुझे भी यही लग रहा है, सीता। ये वही बच्चे होते हैं जो फर्स्ट बेंच पर बैठ के भी लास्ट आते हैं और माँ बाप के पूछने पर मास्टर को ही ब्लेम कर देते हैं। और हमारी अगली स्टार किड जो कि सोनाक्षी का भी सबसे बड़ा कंपटीशन है, द जीनियस द ब्रिलियंट द स्मार्टेस्ट स्टार किड आलिया भट्ट। भट्ट भट्ट Who is the president of India? Manmohan Singh. Why is the president of India? ये वही लड़की है जिसका जीके एटम के साइज से भी कम है, सिर्फ इतना बड़ा, इतना, चलो इतना, अब तो खुश। ये वही बच्चे रहते हैं जो स्कूल के हर टीचर से मार खाते हैं। ये इंग्लिश के सब्जेक्ट में हिंदी का आंसर देते हैं और साइंस के सब्जेक्ट में सोशल साइंस का। मेरा मतलब है ये इतने गधे रहते हैं कि इनसे बड़ा गधा कोई नहीं, गधा भी इनको देख के शर्मा जाए। ये इतने बड़े गधे रहते हैं कि अपनी उंगलियों के नाखून के साथ पैर के नाखून भी चबा जाते हैं। आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये कतई चिकना लौंडा जू में पैदा हुआ था, जब से इसका नाम है टाइगर। ये जो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है ये एक्टिंग के नाम पे हग देता है। इसकी आप कोई सी भी फिल्म देख लो, ये एक्सप्रेशन के नाम पे डिप्रेशन दे देता है। ये अपनी फिल्मों में नाचता हुआ या फिर बंदर जैसे उछलता हुआ ही दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नेपोटिज्म के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और पास में घंटा भी जरूर बजा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।